मोहतरम सामईन, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है और लाखों दरूद सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैंने आपके सामने सूरह ज़ुमर की आयत का एक किता एक टुकड़ा पढ़कर सुनाया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या इल्म वाले और नादान दोनों बराबर हो सकते हैं? यकीनन अकलमंद ही नसीहत हासिल कर सकते हैं। सच कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि अकलमंद ही नसीहत हासिल कर सकते हैं। मैं बारहा कह रहा हूं कि औरतों में चुप हो जाएं, क्यों खामखा शोर मचा रहे, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे मौजू दिया गया है कि खवातीन और तालीम, मैं क्या बताऊं जब हमारी खवातीन खामोश ही नहीं बैठी हैं। अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर यह फरमाया कि इल्म वाले और नादान दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। अल्लाह इल्म वाले और नादान दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म की बाबत मर्द और औरत दोनों को बराबर करार दिया। ये नहीं कहा कि जो मर्द हजरात इल्म हासिल करते हैं वो मर्द हजरात से बेहतर हैं, या वो और ख्वातीन जो और जो इल्म हासिल करती हैं वो ख्वातीन से बेहतर हैं, बल्कि अल्लाह ने यहाँ मुसावात इल्म के बारे में दोनों को बराबर ठहराया और कहा कि इल्म वाले और नादान जिनके पास इल्म ना हो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। मुआशरे की इस्लाह, एक मुआशरे की इस्लाह, एक कामयाब मुआशरा उस वक्त बनता है जिसके मर्द और ख्वातीन दोनों तालीम याफ्ता हों। इल्म किसी भी मुआशरे की इस्लाह और कामयाबी का अहम रुकन है। जिस मुआशरे में इल्म नहीं पाया जाता, जिस मुआशरे में तरबियत नहीं पाई जाती, वो मुआशरा कभी कामयाब ना होता। इसीलिए हर मुआशरे की इस्लाह में इल्म को असासी अहमियत हासिल है, बुनियादी अहमियत हासिल है। इसलिए कुरान मजीद ने बारहा इल्म की तरफ अहमियत दिलाई, बल्कि इबादत से पहले इल्म को कहा। कहा अल्लाह ने सूरह मुहम्मद के अंदर, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिदंबिक। यकीन जान लो, इल्म हासिल कर लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है, फिर तुम अपने गुनाहों की मगफिरत करो। लिहाजा इल्म एक बुनियाद है जिस बुनियाद पर इंसान इबादत करता है, जिस बुनियाद पर इंसान अपनी जिंदगी सवारता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। मोहतरम सामईन और सामियात, प्यारी माँ और बहनों, यकीनन एक मर्द इल्म हासिल करता है तो उससे मुआशरे को फायदा जरूर है, लेकिन जब एक औरत इल्म हासिल करती है, जब एक औरत इल्म हासिल करती है तो सारा कुंबा, सारा कबीला उससे फायदा उठाता है, क्योंकि इल्म की जरूरत बच्चे के लिए सबसे पहले पेश आती है। लिहाजा जरूरत है कि माँ तालीम याफ्ता हो,